फिल्म की शुरुआत में हम कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो एक बियर को डिलीवरी के लिए अफ्रीका ले जा रहे होते हैं, जिसका नाम मिक होता है। वो स्टॉक्स उसे बताते हैं कि हम तुम्हें अफ्रीका के एक क्रोकोडाइल को डिलीवर करने ले जा रहे हैं। ये बात जब मिक को पता चलती है तो वो बहुत हैरान होता है और वहाँ से जंप कर देता है, पर असल में ये उसका सपना होता है और वो ऊंचाई पर बैठा होता है, जिसे उसका फ्रेंड ऑस्कर उससे प्रैंक करने के लिए उसे रोलर कोस्टर राइड पर भेज देता है। पर इससे मिक की हालत खराब होने लगती है और उसे ऑस्कर पर बहुत गुस्सा आता है और फाइनली वो जमीन से आकर टकरा जाता है। दूसरी ओर हम बहुत से स्टॉक्स को देखते हैं जो डिलीवरी सर्विस का काम किया करते थे। उन्हीं में हम आर्नोल्ड नाम की एक स्टॉक को देखते हैं, जिसके डिलीवरी के पिछले रिकॉर्ड्स बहुत ही ब्रिलियंट थे, जिस कारण से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। पर वहीं कार्ल नाम का एक लापरवाह स्टॉक भी था, जो अक्सर डिलीवरी को गलत जगह डिलीवर कर दिया करता था। वहीं आर्नोल्ड के काम की सभी सराहना करते हैं और आज उसे अमेरिका के एक जंगल में एक बियर कपल को एक बेबी बियर डिलीवर करने का काम दिया जाता है और वो हमेशा की तरह इस बार भी अपने काम को सेफली पूरा करने का प्रॉमिस करता है। दूसरी ओर हम अमेरिका के उसी जंगल में वहाँ के एनिमल्स को देखते हैं और आज उनका इलेक्शन डे होता है, जहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर एक ग्रिजली बियर जॉन खड़ा होता है और उसके ऑपोजिशन में डॉन वल्चर होता है। जॉन वहाँ के एनिमल से वादा करता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो यहाँ सभी को इक्वालिटी और फ्रीडम दी जाएगी, जिसमें उसकी वाइफ मैरी भी उसका समर्थन करती है। पर डॉन वल्चर किसी भी हाल में जॉन को प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए वो मिस्टर चेयरमैन को लॉ याद दिलाते हुए बताता है कि रूल के अनुसार सिर्फ पेरेंट ही प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हो सकते हैं, जबकि जॉन और उसकी वाइफ के कोई बेबी नहीं है, पर मेरे हंड्रेड्स ऑफ किड्स हैं। इस पर जॉन मिस्टर चेयरमैन से कहता है कि प्लीज आप मुझे कुछ समय दें, क्योंकि स्टॉक डिलीवरी सर्विस के मुताबिक हमारा बेबी कभी भी डिलीवर हो सकता है। तब जॉन और उसकी वाइफ के रिक्वेस्ट के कारण मिस्टर चेयरमैन उनके लिए वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर डॉन वल्चर अपने किड्स और चमचों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि जॉन का बेबी यहाँ तक पहुँच ही ना सके। इसलिए वो अपने एक सन बिली को उस स्टॉक को रोकने भेजता है जो कि जॉन के बेबी को यहाँ तक डिलीवर करने वाला था। वहीं आर्नोल्ड ही जॉन के उस बेबी को डिलीवर करने वाला था और जिस दौरान वो रास्ते में होता है तभी वहाँ डॉन वल्चर का वही सन बिली आ जाता है, जो आर्नोल्ड की बहुत तारीफ करने लगता है और मौका पाकर उससे उस बेबी को छीनने की कोशिश करता है। पर उसी दौरान वो बेबी पानी में गिरकर उसकी बहाव के साथ वहाँ से दूर चला जाता है और बिली को भी वो बेबी मिल नहीं पाता। दूसरी ओर हम मिक को देखते हैं, जो ऑस्कर के कारनामों के लिए उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी वहाँ उनसे मिलने के लिए उनकी पहचान का एक बेबी पांडा जानोस आता है और इतने महीने बाद उससे मिलने के कारण वो उससे ढेर सारी बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें नदी के किनारे वही बेबी बियर मिलता है जो आर्नोल्ड की गलती से बहाव के साथ वहां आ चुका था। तभी वहां कार्ल भी पहुंच जाता है, जो उन्हें बताता है कि ये बेबी यहां गलती से आ गया है और वो खुद उस बेबी को जॉन तक पहुंचाने का फैसला करता है। पर मिक को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि एक समय पर उसी ने जानोस को भी गलती से उनके यहाँ डिलीवर कर दिया था। इसलिए मिक को लगता है कि कार्ल जरूर इस बार भी इस बेबी को गलत जगह ही डिलीवर करेगा। इस पर जानोस उन्हें एडवाइस देता है कि बेहतर होगा हम सब साथ में चलकर इस बेबी को डिलीवर कराएं। पर मिक हर बार से तंग आकर कल डिलीवरी सर्विस में इस बारे में कंप्लेंट करने का तय करता है, लेकिन रात होते ही जानोस बच्ची को चुपके से मिक के पास से ले आता है और कार्ल के साथ मिलकर दोनों उस बेबी को जॉन के पास ले जाने का प्लान करते हैं। पर जिस दौरान वो जंगल से जा रहे होते हैं तभी वो बिली के बनाए ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, पर तभी मिक और ऑस्कर वहां आ जाते हैं
जो उनके प्लान को जान चुके थे। वो दोनों उन्हें गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अब मेक अपना फैसला बदल लेता है और सभी के साथ उस बेबी को उसके पेरेंट तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो सभी अपने एयरशिप में बैठकर अमेरिका के जंगल में उस बेबी को पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं। पर बिली भी हर हाल में उन्हें अमेरिका पहुंचने से रोकने का तय करता है और उनका पीछा करता है। रास्ते में मौसम खराब होने से मेक और उसके साथियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, पर थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहां कार्ल को एक सपना आता है जहां उसके बॉस और कलीग्स उसके सही जगह डिलीवरी पहुंचाने के कारण उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी बिली उनके एयरशिप में होल कर देता है जिस वजह से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। इसलिए कार्ल बेबी को बचाने के लिए उसे वहां से निकाल लेता है, पर मेक और बाकियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं बिली का पैर भी रस्सी में फंस जाता है जिस कारण से वो भी उनके साथ नीचे आ गिरता है। वहाँ मेक और उसके साथी तो सेफली बच जाते हैं, पर नीचे दबने से बिली का एक पंख टूट जाता है। ऑस्कर बिली को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। इस पर बिली उनसे कहता है कि मैं अमेरिका के जंगल का एक सिटीजन हूँ और मुझे वहीं जाना है, पर तुम्हारी वजह से मेरा एक पंख टूट चुका है। और क्योंकि मेक और बाकी सभी भी अमेरिका के जंगल ही जा रहे थे, इसलिए वो बिली को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेक उसके विंग को टेम्पररली फिक्स कर देता है और मेक बिली के विंग को टेम्पररली फिक्स कर देता है। उतने में वहाँ अचानक भयानक एवलेंस आने लगता है, इसलिए वो किसी तरह से टूटे हुए एयरशिप के सहारे उससे बचने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद कार्ल अपने इनर जीपीएस को ट्रैक करता है और वो अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं और बाकी उसे फॉलो करते हुए बर्फीली हवाओं से होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पर रास्ते में जानोस की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो एक केव में ठहरते हैं जहां ऑस्कर जानोस के लिए एक स्कार्फ बनाकर उसे पहना देता है। वहां बिली ये देखकर सोचता है कि अगर मैं बीमार होता तो मेरे डैड कभी भी इस तरह से मेरा ख्याल नहीं रखते। इसके बाद वो अगेन अपने जर्नी की ओर निकल जाते हैं। तभी दोबारा से वहाँ एवलेंस क्रिएट हो जाता है, इसलिए कार्ल बेबी को अपने साथ ले लेता है और ऑस्कर और उसके साथी मेक के ऊपर बैठकर तेजी से स्लाइड करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इससे ऑस्कर और बाकी सभी तो सेफली बच जाते हैं, पर ऑस्कर गलती से एक फीमेल बियर के केव में पहुँच जाता है जिस वजह से वो बहुत गुस्सा होती है। पर जब वो मेक को देखती है तो शांत हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। उस फीमेल बियर का नाम मिकाइल होता है। इसके बाद वो सभी मिकाइल के साथ आग जलाकर एक वुड्स में ठहरते हैं जहां मेक मिकाइल को सारी बातें बता देता है। वहां मिकाइल उन्हें अपनी स्टोरी भी बताती है कि किस तरह फ्लड के कारण उसने अपने मॉम डैड को खो दिया, जिसके बाद से वो अकेले ही उस केव में रहा करती थी। वहाँ वो आपस में बातें करते हुए खूब मस्ती करते हैं। उसी दौरान डॉन वल्चर का दूसरा सन चुपके से बिली के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों लग रहा है। इस पर बिली उससे कहता है कि तुम डैड से जाकर कह दो कि वो बेफिक्र रहें। एक बार मैं इनका भरोसा जीत लूं, फिर मैं अपने मकसद को भी हासिल कर लूंगा। उसी रात मेक और मिकाइल साथ में टाइम स्पेंड करते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ होकर बहुत खुश होते हैं। पर जब बाकी सभी सो रहे होते हैं तब बिली बेबी को चुराने की कोशिश करता है, पर तब वो अपना प्लान चेंज कर लेता है और सुबह होते ही मेक और उसके साथियों को सारी सच्चाई बता देता है। पर बिली के भाई को इसका पता चल जाता है और वो अपने डैड को जाकर बता देता है कि बिली ने हमें धोखा दिया और उसने एक बियर और उसके साथियों को ज्वाइन कर लिया।
इसे सुनने के बाद डॉन वल्चर अपने सन्स और हायनाज की ग्रुप को उनका सामना करने के लिए भेज देता है। वहीं ऑस्कर डॉन वल्चर के आर्मीज को डिफीट करने के लिए एक प्लान बनाता है, जहां वो दो बास्केट्स में फेक बेबीज को रखकर बिली और कार्ल को उसे लेकर अपोजिट डायरेक्शन में जाने को कहता है और उसकी पूरी चाल सुनने के बाद सभी उससे एग्री करते हैं। दूसरी ओर जॉन के पास अब सिर्फ कुछ ही समय बचा था और अगर उसका बेबी सही समय पर डिलीवर नहीं होता तो डॉन वल्चर को उस जंगल का प्रेसिडेंट बना दिया जाता और डॉन वल्चर भी जल्द से जल्द समय बीतने का इंतजार कर रहा था। वहीं उसकी वल्चर आर्मी जब आसमान में कार्ल और बिली को अपोजिट डायरेक्शन में जाते देखते हैं तो वो दो ग्रुप में बट जाते हैं। साथ ही उसकी हायनाज की ग्रुप ऑस्कर का पीछा कर रही होती है, तभी उनका सामना करने के लिए जानोस वहां आ जाता है और उनका बहादुरी से सामना करता है, जिसमें ऑस्कर भी उसका साथ देता है और प्लान के अनुसार मिक और मिकाएल बेबी का ख्याल रखने के लिए केव में ठहरते हैं, जहां उनकी बाकी के साथ ही चालाकी से डॉन वल्चर के आर्मीज को मिक के पास ले आते हैं और मिक और मिकाएल साथ मिलकर उन्हें बहुत बुरी तरह से मार कर वहां से भगा देते हैं। पर अभी भी उन्हें उस बेबी को जॉन तक जल्द से जल्द पहुंचाना था, इसलिए कार्ल और बिली बेबी को लेकर वहां से निकल जाते हैं और मिक और उसके साथी उन्हें फॉलो करते हैं। इधर जब रास्ते में कार्ल और बिली जा रहे होते हैं तभी उन्हें और वल्चर्स मिल जाते हैं, इसलिए बिली उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और इस बीच कार्ल बेबी के साथ वहां से आगे निकल जाता है। पर जंगल में पहुंचने के बाद भी वो वल्चर्स कार्ल का पीछा नहीं छोड़ते। उसी दौरान जंगल में आग लग जाती है और कार्ल बेबी के साथ वहीं फंस जाता है। इधर डॉन वल्चर मिस्टर चेयरमैन को जल्द से जल्द उसे प्रेसिडेंट घोषित करने की डिमांड कर रहा होता है, पर सही समय पर कार्ल बेबी के साथ वहां पहुंच जाता है। बेबी से मिलकर जॉन और मैरी बहुत खुश होते हैं। वहां कार्ल सभी को बता देता है कि डॉन वल्चर ने इस बेबी को यहां पहुंचने से रोकने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी, पर अब वो टीम एफर्ट से फाइनली उस बेबी को वहां तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके थे। तभी मिक भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और बिली भी सभी के सामने अपने डैड की सच्चाई बता देता है। डॉन वल्चर के इस कारनामे के लिए उसे इलेक्शन से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है और मिस्टर चेयरमैन हैपिली जॉन को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। पर डॉन वल्चर सभी को ये कहकर वहां से चला जाता है कि तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं मैरी मिक और उसकी टीम को उनके बेबी को सुरक्षित उन तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया करती है। इसके बाद मिक और उसकी टीम अपने घर आ जाते हैं, जहां मिक और मिकाएल अब साथ रहने लगे थे। पर मूवी के आखिर में वो देखते हैं कि फिर से कार्ल ने दो बेबी बियर्स को उनके यहाँ डिलीवर कर दिया था, जिन्हें वो अपना लेते हैं और कार्ल को इसके लिए शुक्रिया करते हैं। साथ ही कार्ल को भी अपने काम के लिए एप्रिसिएशन मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।